Hey guys, welcome to Spartan Subh. So I hope कैसा अच्छे होंगे. So guys, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग PUBG Mobile and BGMI 1.8 से रिलेटेड बातचीत करेंगे. और आज के वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वॉइस पैक से रिलेटेड. तो जैसे कि आपको पता, बहुत दिनों से एक रूमर्स चल रहा था कि BGMI का जो टॉप इन्फ्लुएंसर हो गया उन लोग का वॉइस पैक गेम के अंदर आने वाला. तो ये चीज कंफर्म भी हो चुका, उसका लीक्स भी आ चुका, जिसके बारे में आज ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे. उसके साथ साथ 1.8 का बीटा वर्जन में एक अपडेट आया, उसके रिलेटेड भी बात करेंगे. और मैं आपको बताऊंगा जो वॉइस पैक आपको देखने को मिलेगा ये आपको कैसे मिलेगा, क्या चीज फ्री में मिलेगा, किस तरह का इवेंट आएगा, ओवरऑल एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा. सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कौन-कौन टॉप इन्फ्लुएंसर का अभी 1.8 का अपडेट में वॉइस पैक आपको देखने को मिलेगा. फ्यूचर में और भी टॉप इन्फ्लुएंसर का आपको वॉइस पैक देखने को मिलेगा. बेसिक वॉइस पैक आप देख पा रहे हैं एपिक वॉइस पैक है, और जो स्पेशल वॉइस पैक आप देख पा रहे हो वो एक मिथिक है. ठीक है, दोनों में अंतर आपको तो पता ही है एपिक मिथिक का. बट मैं आपको बता देता हूं ये दोनों पैक बनाने का क्या लॉजिक है. पबजी मोबाइल यूजर को तो ऑलरेडी पता है, BGMI का मैं बता देता हूं 1.8 में BGMI कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपको ये जो तीनों इन्फ्लुएंसर है इन तीनों इन्फ्लुएंसर का एक इवेंट दिखाई देगा जिसमें आप नॉर्मली इजी मिशंस कंप्लीट करके ये जो बेसिक प्लान है तीनों इन्फ्लुएंसर का इसको आप फ्री में ले सकते हो. उसके लिए आपको एक भी यूसी देने का जरूरत नहीं है. इसमें केवल एक ही ड्रॉबैक ये है कि आपको सब वॉइस नहीं मिलेगा बेसिक प्लान में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वॉइस मिल जाएगा जो कि आप फ्री में ले सकते हो. उसके लिए आपको एक भी यूसी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा. बट जो स्पेशल वॉइस पैक रहेगा वो एक मिथिक वॉइस पैक है, उसमें आपको जितना भी मेन डायलॉग रहेगा उसमें आपको दिखाई देगा, और इसमें आपको डेफिनेटली यूसी देना पड़ेगा. ऑब्वियसली इनको भी अर्निंग करना है तो इसलिए वो लोग दोनों पैक में इसको डिवाइड किए. अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का इवेंट आपको 1.8 का अपडेट में देखने को मिल सकता है. और सबसे पहले मैं फ्री इवेंट दिखा देता हूँ, इस तरह का इवेंट आपको BGMI के अंदर देखने को मिलेगा. तो जैसे कहा देख रहे हैं पबजी मोबाइल के अंदर आ गया एशियन रीजन एंड टर्किश रीजन में एक इवेंट है जिसमें हम लोग को फ्री में वॉइस पैक भी मिल रहा है. तो इधर आप देख पर एक लॉगिन इवेंट चलते हुए आ रहा है, द राइज ऑफ लेजेंडरी वॉरियर लॉगिन. और जैसे आप डे 6 तक इसमें लॉगिन करोगे तो आपको एक एपिक वॉइस पैक आपको दिखाई दे रहा है, और ये कम्प्लीटली फ्री है. इसके लिए आपको एक भी यूसी देने का जरूरत नहीं है. तो इस तरह का ये जो हम लोग का बेसिक प्लान होने वाला है केवल लॉगिन का फॉर्मेट या कुछ मिशन कंप्लीट करके ही मिल जाएगा, जिसको आप परमानेंटली फ्री में रख सकते हो हमेशा के लिए. और ये हर एक BGMI यूजर के पास होने वाला है. ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखा था दोनों का डिफरेंस क्या है. तो ये कोई टॉप सेलिब्रिटी है जिसका टर्किश लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में वॉइस पैक बनाया गया है. टर्किश लैंग्वेज में भी बेसिक एंड उसके साथ साथ स्पेशल वॉइस पैक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो दो आपको दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ मिथिक वॉइस पैक भी आपको दिखाई दे रहा है. सबसे पहले मैं आपको बेसिक वॉइस दिखा देता हूँ. देखो बेसिक वॉइस में देखो केवल टैक्टिकल में तीन ही वॉइस आपको दिखाई दे रहा है. उसके साथ साथ मूवमेंट में आप देख पा रहे एक ही वॉइस है, उसके साथ साथ डिस्कशन में आप देख पा रहे तीन वॉइस है. तो इस तरह का ही आपको जो बेसिक मिलेगा जोनाथन स्नैक्स का, तो उसी तरह का आपको चार पांच वॉइस ही मिलेगा जो कि फ्री होने वाला है. ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ मिथिक वाला जो मतलब पेड होने वाला है. तो पेड़ वाला कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि आप देख पा रहे इंग्लिश में क्लिक करते इधर आप देख पा रहे बहुत सारा जितना भी एग्जिस्ट करता है वॉइस सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है. और ये आपको एक बार मिल जाएगा तो ये आप पूरा का पूरा जितना भी वॉइस है तो सबको आप एक्सेस कर पाओगे. ठीक है, तो आपको तो अभी समझ में आ गया कि फ्री इवेंट किस तरह का होगा. अभी मैं आपको पेड इवेंट भी दिखा देता हूं किस तरह का पेड इवेंट हो सकता है. तो वहां पबजी मोबाइल केआर का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं. इधर आप देख पा रहे पबजी मोबाइल केआर का स्क्रीनशॉट जिसमें आप देख पा रहे एक क्रेट स्पेशल क्रेट बनाया गया है जिसमें आप देख पा चार चार मिथिक वॉइस पैक है. और यही एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट आपको BGMI के अंदर देखने को मिलेगा. इसमें से एक क्रेट में ये मिथिक वॉइस पैक दिया जाएगा. और एक चीज बता देता हूं कि मिथिक वॉइस पैक को भी आप फ्री में निकाल सकते हो अगर आप लकी बंदे हो, क्योंकि ये जो क्रेट है BGMI आपको एक दो दे सकता है फ्री में. जैसे छोटा मोटा इवेंट दे देगा जिसमें दो क्रेट आपको फ्री में दे देगा ओपन करने के लिए. अगर आपका लक ओपी वाला रहा तो आपको वो दो क्रेट में ही वॉइस पैक मिल जाएगा मिथिक वाला, तो उसमें भी आपको एक भी यूसी नहीं लेगा. बट मैक्सिमम लोगों को हम लोग ध्यान देना है तो मैक्सिमम लोगों को इसमें यूसी इन्वेस्ट करना होगा. फ्री में एक दो क्रेट ही मिलेगा जिसमें आपको नहीं मिलने वाला. आपको सेक्शन में जाके क्रेट ओपनिंग करना पड़ सकता है जिसमें आपको यूसी लगेगा. ठीक है, फ्यूचर में देखेंगे कितना यूसी करके ये क्रेट होने वाला है. मोस्ट प्रोबेबली 60 यूसी का ही होगा. तो ये चीज हम लोग बाद में देख लेंगे. तभी हम लोग PUBG Mobile का ग्लोबल बीटा 1.8 में चल जाते हैं. उसमें कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं. ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं PUBG Mobile ग्लोबल बीटा 1.8 में आ चुका है. आज तो मुझे टाइम नहीं मिला गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए. इसमें स्पाइडरमैन मोड जो था वो आ चुका, कल मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा पूरा डिटेल में. और उसके साथ साथ आप देख पा रहे इसमें लिविक भी दिखाई दे रहा है. तो स्पाइडरमैन मोड या कोई भी अभी इवेंट मोड आएगा तो न्यू वाला इंटरफेस आपको कैसे चेंज करना आप देख पा रहे. इधर एक एरो दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल एंगल हो जाएगा, और जैसे आप वापस से क्लिक करोगे तो ये आप देख पा रहे थीम गेम प्ले या इवेंट मोड आ जाएगा. ठीक है, तो कल मैं आपको गेम प्ले दिखा दूंगा, फिलहाल के लिए आज मैं ऐसे नॉर्मली आपको दिखा दिया. उसके साथ साथ इधर आप देख पा एरिना में आप देख पा एक नया TDM मैप आने वाला है. इसका नाम है सेंटोरिनी और ये 8v8 है. इतना देर से हम लोग TDM खेलते थे 4v4 था, अभी 8v8 है जो कि PUBG PC का कॉन्सेप्ट है. 8v8 PUBG PC में भी होता है. इसमें अभी मैच मेकिंग नहीं हो रहा. अगर आप नॉर्मली मैच मेकिंग करने जाओगे स्टार्ट नहीं होगा.
मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ और इसमें केवल एक ही तरीका है मैच मेकिंग करने का, वो है रूम। और मेरे पास रूम कार्ड है नहीं ये अकाउंट में, तो अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ये नॉर्मल मैच मेकिंग स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको इसका गेम प्ले दिखा दूंगा। फिलहाल के मैं आपको थोड़ा सा इमेज दिखा रहा था। इस तरह का कुछ मैप होने वाला है, बहुत ही ओपन स्पेस मैप होगा क्योंकि ऑब्वियसली 16 बंदा इसमें खेलने वाला है, तो अच्छा खासा भीड़ होगा, अच्छा खासा एरिया आपको मिलेगा ये मैप को खेलने के लिए। अच्छा बात है, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट लाया गया। उसके साथ साथ आप देख पा रहे इसमें आप सीढ़ी भी उठ सकते हो, तो हम लोग गेम प्ले देख लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, थोड़ा लेट हो सकता है बट वीडियो आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। कल मैं स्पाइडरमैन वाला मोड आपको दिखा दूंगा। उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप सेटिंग में क्लिक करोगे तो आपको पता है 1.7 तक आप जो अपना जो गेम का जो बटन होता है उसको सेट करने के लिए कंट्रोल में जाते थे, और व्हीकल का जो बटन है उसको सेट करने के लिए आप व्हीकल ऑप्शन में जाते थे। बट आप इधर आप देख पर कोई भी अभी कंट्रोल ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, उसके साथ साथ व्हीकल भी नहीं, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन को एक ही जगह मर्ज कर दिया गया है, कस्टमाइज बटन्स, ठीक है। जिसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख पर कैरेक्टर का जो बटन है इसको आप इधर से फिक्स कर सकते हो जैसे पहले था, उसके साथ साथ व्हीकल का इधर आ चुका है, ठीक है। तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया जिससे आप इजीली एक्सेस कर पाओ दोनों कैरेक्टर एंड व्हीकल, और ये चीज चेंजेस हुआ। और भी बहुत सारे चेंजेस है, अपकमिंग डेज हम लोग और भी देखेंगे, कल हम लोग गेम प्ले के साथ आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय।